हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनुप्रिया और आज मैं लेके आई हूं स्क्वायर निकालने का जबरदस्त ट्रिक। जबरदस्त ट्रिक से पहले मैं सोचती हूं एक क्वेश्चन करा दूं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट्स नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सोचिए, कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या बताइए चार अंकों की जो परफेक्ट स्क्वायर। अब कौन सी बात है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। और चार अंकों की सबसे, अगर स्मॉलेस्ट की जगह अगर ग्रेटेस्ट दे दे तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो चार अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या, देखिए 1 2 3 4 मीन्स फोर डिजिट्स का बोल रहा है ना स्मॉलेस्ट। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, ठीक है। अगर पांच अंकों की पूछे तो, फाइव डिजिट की पूछे तो, फाइव की जगह पे फाइव के लिए एक जीरो यहाँ पे और आ जाएंगे, मीन्स 10,000 हो जाएगी। अगर चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हो जाएगी 9999, मीन्स चार को नाइन लिख देना, चार फोर टाइम्स नाइन लिख देना है। अगर दो अंक की पूछे सबसे बड़ी संख्या तो 99, अगर थ्री डिजिट्स का पूछे तो 999, ठीक है। ऐसे ही अगर जितनी जितनी डिजिट की पूछे उतनी बार नाइन लिख देना है, उतनी टाइम्स नाइन लिख देना है। अगर छोटी संख्या पूछती है जितनी डिजिट की पूछेगी एक वन लिख देना है, और उसके बाद जितनी नंबर पूछेगी उससे उसे एक कम, मीन्स एक वन को तो मैंने लिख दिया, तो ये टोटल मिला के ना फोर डिजिट होना चाहिए। तो तीन मैंने जीरो रखा है, एक ये रखा, वन रखो रखा है, तो ये चार हो गए ना। तो आइए अब निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं और आपके पास तो है ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ट्रिक से पहले हम लोग एक बार ये भी बनाना जानेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। तो टू दो दो का पेयर बना लेंगे। सपोज दैट अगर 10 एक और डिजिट रहती, मिस 10,000 रहता, तो एक तो सिंगल बच जाते ना। तो एक का सबसे पहले हम लोग पीछे से चलते हैं, ठीक है, पीछे से चलते हैं, मीन्स इसमें पीछे से चलना है, वाकई में पीछे से नहीं चलना है। तो ये मैंने पीछे से पेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पेयर बन गई और फिर ये पेयर बन गया। अब हम लोगों को डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि अगर जिस डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट हम लोगों को नीचे भी मींस यहाँ देखिए, अगर हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर टू से करते हैं तो टू से ही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स जितना ऊपर लिखेंगे उतना उतने ही नंबर से उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग इससे कम या इसके बराबर लेके आएंगे, इससे ज़्यादा तो लेके आना नहीं है। तो आइए हम लोग देखेंगे, 10 लाना है। तो आप सोचिए कि अगर 10 लाना है तो 10 अगर 4 से करते हैं तो 16 हो जाता है, तो 16 तो हमको लाना नहीं है। अब हम लोग सोचेंगे कि 3 से करते हैं तो 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, तो मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ। अब जब माइनस करूँगी तो 1 बच जाएगा, बचेगा ना। अब ये दो ये पेयर है, ठीक है, दो टू डिजिट है, दोनों को मैंने उतार दिया, यहाँ पे 3 लिख दी, और फिर इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही कुछ रखेंगे, 1 रखे तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर 2 रखे तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर सपोज दैट हम 2 से करते हैं, यहाँ देखिए, तो 2 से करते हैं तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 2 6 जा 12 और 12 हो जाएगा, मीन्स 124 आ जाएगा। तो इतना तो हमको लाना नहीं है, 100 ही लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख लेंगे और 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आ जाएगा, माइनस करेंगे जब तो 9 और ये क्या हो जाएंगे, 3, मीन्स रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 39। अब देखिए फिर इसको प्लस कर लेंगे, 62 हो जाएगा और यहाँ क्या करेंगे, 31। अब हम लोग को एक ये हो गई हमारा फोर डिजिट्स का स्क्वायर। लेकिन
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चार अंकों की वैसी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चार अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी वैसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 31 लेस देन होगा 100 से, होगा ना, और फिर लेस देन होगा किससे, 32 से, ठीक है 32 से हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये 31 से स्क्वायर होंगे मींस या फिर 31 के या फिर 32 के। तो देखिए अगर 32 के ही स्क्वायर होंगे क्योंकि इससे तो ये माइनस हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट पूछे तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, और अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचा उतना माइनस कर देंगे। तो मींस 32 का अगर हम लोग इस, मेरा मतलब है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 32 होगा, परफेक्ट स्क्वायर इज 32, 32 का स्क्वायर। अब हम लोग को, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मैं 32 का स्क्वायर करके एक बार देख लेती हूँ कि 32 का स्क्वायर क्या होता है। 32 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक बार देख लेंगे 32 का स्क्वायर करके, और फिर जितनी आएगी इसको एक बार फिर से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि 32 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। अब हम लोग इसका एक बार करके देखते हैं 32 का, 32 में तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा, आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैं यहाँ कर देती हूँ, 32 हो गई, और 32 में हम लोगों को क्या करना है, 32 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब देखो 4, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 6 12, 2 हो जाएगा 9 8 10, मीन्स 1000 जो होगा 1024, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए देख लेते हैं, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, 1024। मैंने बताया सबसे पहले हम लोग पेयर लगा लेंगे, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 10 को लाना है मुझे, तो 10 लाने के लिए 9 आया, 3 3 जा 9, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 1 माइनस हो जाएगा और 24 हो जाएगा, ये 24 आ जाएंगे नीचे, इसका 1 माइनस हुआ, ठीक है, तो ये 24 हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ रखना है जो इतना के बराबर है या इससे कम है, तो हम लोग एक बार मल्टीप्लाई किए थे 62 में 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 124 आया था, अगर हम यहाँ 2 रख दें और यहाँ भी 2 रख दें तो हमारा यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है, और 124 आ जाएगा, मीन्स कट फट। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या चार अंकों की जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो क्या है, 1024। अब मैंने आपसे एक प्रॉमिस की हुई थी कि मैं आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जो आप लोग बिना टाइम गवाए आप लोग एग्जाम में बना सके, तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो आइए अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए मैं अगर मान लीजिए मैं किसका दूं, मैं 56 का देती हूँ, ठीक है, 56 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जानते हैं ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस मत दीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस मत दीजिएगा, ये याद रखिएगा, ए स्क्वायर और टू ए बी एंड बी स्क्वायर। तो देखिए ये इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो बी क्या है, बी स्क्वायर, सबसे पहले तो बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 36 होता है ना, हाँ जी 36, तो 36 हो गया, 36 का 6 और क्या हो गया, कैरी 3 हो गए। अब कह रहा है 2AB मीन्स 2AB, ये क्या हो गए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा, 5, 6, 5 जा 30, और 30 और 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 60 में हम लोगों को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे ये 3, 3, 3, 6 जा 18, 100 क्या हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना ना 2ab, तो a और b को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, a हो गया और ये b हो गया, तो 6, 5 जा 30 हो गया, और 2ab कह रहा है मींस a और b का तो मल्टीप्लाई कर दिए मींस 30 आ गया, और 2 है तो 30 यहाँ पे 30 हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब हम लोग को क्या बचा है, क्या बचा है 6 बचा है। अब देखो ए स्क्वायर मीन्स 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 में 6 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 31, तो 56 का स्क्वायर क्या है 3136। एक और देख लेते हैं, एक और इसी ट्रिक पे देखते हैं, 2 अंकों की बता रही हूँ, 2 डिजिट का बता रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। आइए अगर एक डिजिट ले लिए 42, तो इसको भी इसी फार्मूला पे रखेंगे, 2 का इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, इसका स्क्वायर निकालने बोल रहा है ना, तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो कह रहा है कि बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4। अब कह रहा है 2ab, तो 2ab मीन्स 2a हो गया, 4 हो गया, और b क्या है 2 है, तो 4 2 जा 8, और 2ab मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हुआ, और 2 से फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 6 लिख दिए। अब कह रहा है कि a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 16 एक कैरी है तो 70 हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और कैसे लगते हैं मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने अपने दोस्तों में एक मेरी वीडियो को कम से कम एक शेयर करके मेरी सपोर्ट बढ़ाइएगा। थैंक यू।